हाय गाइस, आपका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है एक जो है बहुत बड़ी मूवी जो है दो क्लैश होने वाली है। दोस्तों मेरा दिल जो है गवाही नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोलूं। दोस्तों एक मूवी आ रही है डंकी और दूसरी मूवी आ रही है सेलार, जो कि सेलार के डायरेक्टर वही हैं प्रशांत नील, जो कि उन्होंने उतनी बड़ी मूवी दी रॉकी इंटरेस्ट। अब जो है वो वही चाह रहे हैं, जैसे केजीएफ में उनकी हिट हुई थी, क्या वो डंकी के सामने आ रहे हैं किंग खान शाहरुख खान के सामने, क्या वो वही चाह रहे हैं कि वही मलाई मिलने वाली है। तो चलिए वो मलाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे एक्सपर्ट जो है आ चुके हैं और क्रेजी हमें आपसे उनसे मिलाता हूँ। सूर्या दोस्तों, ये जो क्लैश है ये क्लैश ऑफ द डिकेड मैं कहूँगा, पिछले 10 सालों में ऐसा क्लैश नहीं हुआ होगा सर। इतना बड़ा क्लैश है डंकी वर्सेस सलार, ये इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है सर। बहुत बड़ा क्लैश है, बहुत बड़ा क्लैश। नितिन जी सर जी, तो देख सकते हैं नितिन बॉलीवुड क्रेजी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका भी क्रेजी नहीं, सॉरी ये मैं भूल जाता हूँ क्योंकि फुल एक्साइटमेंट होता हूँ ना बोलने के लिए, तो मैं ध्यान कर जाता हूँ। तो क्रेजी हमें नितिन का स्वागत है और ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा कि दो मूवी बड़ी क्लैश हो रही है, सिलार और डंकी, जो कि एक बड़े स्टार एक दूसरे स्टार के सामने, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये गलत हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए, मेरे को लगे सरासर ये गलन है डंकी को पीछे करने के लिए, क्योंकि ये साल की तीसरी मूवी शायद ये हो जाएगी ये। अच्छा। जो इसने जो ये 500 करोड़ पार कर लिया तो अच्छा। ये उसको पीछे खींचने के लिए उसकी टांग खींच रही है। अच्छा। सलार ये बीच में डाल रही है, क्या वही चाह ये नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये स्क्रीनें कम हो जाएंगी, स्क्रीन भी कम हो जाएगी। और एक ये बात है, ये जो जीरो जो केजीएफ आया था वो टाइम पे केजीएफ चल गया था, इस बार भी यही सोच रहे हम आगे निकल जाएंगे। केजीएफ क्यों चला था, क्यों चला था? केजीएफ भी सही चला था उनका, वो क्यों चला था, वो सही था, एक्टिंग था, स्टोरी थी। कौन सपोर्ट ज्यादा किया था? आपने? मैंने किया था ना, जरूर सबको याद था कि ऑटो वाले अंकल। जी जी जी। और जो ऑटो वाले अंकल जो फेमस हुए थे जी, आज जो है वो भी गायब है, क्योंकि वो भी बड़ा आदमी बन गया है जी, है ना जी। देखो पहली बात है कि ऑटो वाले अंकल जो बोल दिए वो बड़ा आदमी होकर के ऑटो वाले अंकल का साथ छोड़ देते जी, बराबर है ना। चलिए हमें उस वो सब बात नहीं करना है, और आज जो है जो बड़ा आदमी बन करके आज जो है अपने को यार समझ रहा है, उसकी भी होशियारी भूल जाएगी। हमें उसके बारे में हमें बात करना है क्लेश के बारे में। सूर्या सर, आपसे मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ डंकी वर्सेस सेलार, जो कि दो बड़े स्टार हैं प्रभास और किंग खान शाहरुख खान, शाहरुख खान सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि ये दोनों को साथ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए कैसे है ना, किसी भी तरह से क्लैश का कोई सिचुएशन था नहीं। सलार पिछले साल ही अनाउंस हुई थी, फिर की रिलीज होने वाली थी, फिर जनवरी फरवरी गई, फिर मार्च गया, उसके बाद ये सितंबर आया, सितंबर को रिलीज की प्लान हुआ, फिर दिसंबर, यानी कि पिछले एक साल से इसे पोस्टपोन किया गया, इतना पोस्टपोन किया गया, और आखिरकार इसको दिसंबर में लेकर आ रहे हैं वो भी डंकी के अपोजिट में, तो कहीं ना कहीं मन में तो सवाल खटकेगा ही, क्योंकि इसके पहले भी होमवाले फिल्म्स ने 2018 में तो केजीएफ के साथ क्लैश किया था, केजीएफ वर्सेस जीरो हुआ था, होमवाले फिल्म से क्लैश किया था, और होमवाले फिल्म से उस वक्त बोला था कि हम ऐसा नहीं कि शाहरुख खान वर्सेस हम यश करना चाहते थे, रॉकिंग स्टार यश, वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें ये डेट सही लगी, इसलिए हम रिलीज़ कर रहे हैं अपनी फिल्म केजीएफ को। चलो वो बात समझ में आती है, तो क्या दिसंबर 22 को वापस से आपने क्या डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह ली, क्या उन्होंने ही आपको बोला, या फिर आप जानबूझकर क्लैश करना चाह रहे शाहरुख खान की फिल्म के साथ? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल पब्लिक के मन में उठ रहा है, बहुत लोगों के मन में उठ रहा है, कुछ एग्जीबिटर्स उनके भी मन में उठता होगा कि भाई एक हफ्ते आगे पीछे कर सकते थे, तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई उस वक्त नहीं डरे तो क्या इस वक्त क्यों डरे फिर शाहरुख खान, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। ऐसे भी प्रभास का टाइम चल ही नहीं रहा है सर, फॉर्म में है नहीं, सिर्फ प्रशांत नील के ऊपर क्या ये मूवी चलने वाली है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक डायरेक्टर जो होता है ना, उस एक नॉर्मल फिल्म को भी बहुत बड़ी फिल्म बना देता है, ऐसे राजा मौली की बाहुबली हम भूल नहीं सकते। हाँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जंग शाहरुख खान वर्सेस प्रभास में नहीं है, यहाँ पे जंग है प्रशांत नील वर्सेस राजकुमार हिरानी, ये दो डायरेक्टर्स के विजन की जंग है कि अच्छा, कौन कितनी ग्रैंड स्केल फिल्म बना रहा है और कौन किस पर भारी पड़े, क्योंकि देखो क्लैश हो रहा है इसका मतलब है दोनों ही डायरेक्टर को अपनी फिल्म पर भरोसा है, उन्हें पता है हम एक दूसरे की हालत खराब कर सकते हैं। अच्छा अच्छा,
अच्छा लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे सर कि दोनों मूवी में कौन सी मूवी पहले देखनी चाहिए। मैं देखिए मैं लास्ट टाइम मैंने KGF पहले देखा था हाँ। और मैं उस समय जॉब करता था, जीरो देखने का मन था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला इसलिए जीरो मैंने बाद में देखा था हाँ। तो इस वक्त भी मैं कोशिश करूँगा जो फिल्म पहले आएगी जिसका शो पहले लगेगा वो मैं देखूँगा, चाहे वो डंकी हो सलाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ही फिल्म एक ही दिन देखूँगा जी। आप कौन सी देखोगे? मैंने KGF भाई तब मैंने दोनों देखा था हाँ। पहले मैंने KGF देखा था हाँ। आपके सपोर्ट पे आपने बहुत सपोर्ट किया था हाँ। और आपको मेरे को भरोसा था कि ये मूवी अच्छा से हाँ। और पहले से आपका मैं रिव्यू देखते आ रहा हूँ अच्छा, मतलब और अभी जो मैं अभी देखूंगा वही आप भी देखूंगा? नहीं 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 वो नहीं देखूंगा, लेकिन मेरे को ये तारीफ में रिव्यू में देखता हूँ मैं हाँ। उससे मेरे को अच्छा लगता था नहीं, अभी अभी मैं यही देखूंगा जो पहला शो रहेगा हाँ। तो चलो ठीक है, बाद में कोई भी आप लोग के बात पर सहमत हूँ, जो पहली मूवी देखेगी वही साथ में देखेंगे ओके जी, 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 चलो ठीक है। तो आप लोग का बॉलीवुड क्रेजी में क्रेजी हम में आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है, इतना आप बोले बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे जो है एक्सपर्ट बहुत अच्छी ओपिनियन दिए, तो मैं यही चाहूँगा कि ऑटो वाले अंकल चैनल बॉलीवुड क्रेजी और बॉलीवुड मेटनी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।